जो भी बच्चे गुमशुदा होते हैं अगर वो पाए जाते हैं तो संबंधित थाने के पुलिस अफसर, पुलिसकर्मी 1098 मिलाते हैं। जन सामान्य भी 1098 चाइल्डलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर है मिलाता है तथा सूचना देती है। सूचना पर चाइल्डलाइन तथा जिला बाल संरक्षण इकाई तत्काल मौके पर जाते हैं। अगर कोई बच्चा जनपद उन्नाव की कहीं पे भी पाया जाता है, अगर उस जगह से कोई कॉल 1098 पे आती है, उसकी सूचना 1098 की जो यहाँ पे ऑफिस कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर दिवाकर हो जाए वो तत्काल हम लोगों को देते हैं। हम लोग तथा चाइल्डलाइन की टीम तत्काल मौके पे भी जाते हैं। मौके पे जा करके बच्चे को जैसी तत्काल उसको मेडिकल की सहायता पहले दिलाते हैं। मान लीजिए कोई नवजात शिशु है, अगर मिलता है एक दो या दो दिन का, तो सबसे पहले उस बच्चे को वहीं से ले जा करके एम्बुलेंस के द्वारा तत्काल उसको मेडिकल की सहायता दिलाते हैं बच्चे को। उसके बाद मेडिकल सहायता देने के बाद जनपद मुख्यालय पर लाया जाता है। जनपद मुख्यालय पर उस बच्चे को मेडिकल के लिए अस्पताल के NICU वार्ड में भर्ती कराया जाता है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को तथा बाल कल्याण समिति को दी जाती है। बाल कल्याण समिति अस्पताल में जा करके उस बच्चे को विधिक कार्रवाई करती है। जब वो बच्चा ठीक हो जाता है, डॉक्टर ये बता देते हैं कि बच्चा पूर्णतया स्वस्थ है, उस बच्चे को हम लोग राजकीय बाल गृह शिशु लखनऊ में आवासित कराते हैं। उसके माता पिता के खोजने के लिए हम लोग पेपर, सोशल मीडिया तथा अन्य जो विभिन्न उपकरण है, खोया पाया, ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड, इस पर अपलोड करते हैं कि इनके माता पिता कहीं मिल जाए। अगर बड़ा बच्चा है तो उसका भी मेडिकल सुविधाएं दे करके और उसको भी राजकीय बाल गृह शिशु, राजकीय बाल गृह बालक, राजकीय बाल गृह बालिका लखनऊ में आवासित कराया जाता है। चाइल्डलाइन एक ऐसा नंबर, टोल फ्री नंबर है, इसको कोई भी बच्चा किसी भी मुसीबत में अगर है तो ये मिला सकता है। 24 आवर्स की सर्विस चालू रहती है। जो हमारे जिला बाल संरक्षण इकाई तथा चाइल्डलाइन दोनों 24 आवर्स हैं, कभी भी हम लोग तत्पर रहते हैं। अगर ऐसी किसी बच्चे को कोई मुसीबत है तो हम तत्काल मौके पर जाते हैं और उस बच्चे को सहायता प्रदान करते हैं।